मानव मात्र की पीड़ा को अपने अंतर में हर पल महसूस करने वाले अतिशय पुण्य संपन्न पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। उदार मन से प्रेम लुटाने वाले स्नेही मेरी प्रिय साथियां जिन्होंने अनुकंपा की, आनंद था पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब, लेकिन उनकी उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा है। उनकी तो समय समय पर इतना प्रेम, उनकी कृपा, उनका स्नेह वर्षण हुआ है। इतनी उदारता से बहुत अलौकिक है वो, बहुत दिव्य है वो, बहुत प्यारे हैं कि उन्होंने अपने साध्वियों को इस प्रांगण में भेजा। बहुत बहुत आपका तह दिल से धन्यवाद, आहोभाव के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन, आप सभी की श्रद्धा का धन्यवाद, आप सभी के पुरुषार्थ को आप इस प्रांगण में आए हैं तप अनुमोदन करने के लिए। तप अनुमोदन के साथ साथ गुरुदेव के दर्शन भी, गुरुदेव की ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन भी आपको प्राप्त हो रही है। और जब जब गुरुदेव के विषय में सुनते हैं तो एक ही बात आती है, क्या सोच कर गुरु ने आपका नाम रखा, यथा नाम तथा गुण। शब्द नहीं है, अंतर हृदय के भाव है ये। कैसा आदित्य अवतरण हुआ है आपका, जिन शासन का कल्याण करने के लिए ही नहीं बल्कि मानव मात्र का कल्याण करने के लिए गुरुदेव आप इस धरा में, इस प्रांगण में पधारे। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, आज तो ऐसा लग रहा है कि शब्दों के मामले में मैं बेहद गरीब हूँ। सचमुच आपके इस दिव्य आलोक के सामने आपने जो कृपा की है, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आपके व्यक्तित्व की छटा को दो लाइनों में मैं जरूर गाऊंगी। अभिनंदन करती हूँ मैं आपका, नतमस्तक होकर बार बार रोम रोम से अंदर हृदय से एक पुकार चल रही है। आप सब भी जानते हैं इनके जज्बों के बारे में, इतना सादगी से भरा जीवन और शिखर को, ऊंचाई को छूता इनका संयम, और इनकी प्राणी मात्र के लिए जो सेवा की भावना है, कितनी बार तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उस पीड़ा को किस तरह से महसूस किया और आप क्या मिशन लेकर आए थे इंदौर में, और कैसे पुण्य बरसा है आपका। दर्द से कराने वाले उन प्राणियों के लिए आप तो एक मसीहा बनकर आए हैं। हे मसीहा, आपके चरणों में मैं भी अनंत अनंत वंदन करती हूँ, और दो लाइनें गाऊंगी मैं आपके लिए। तेरे चरणों में जो की दुनिया है, ऐसा लगता है कि अब खुद दुनिया है।
संपूर्ण विश्व का सबसे पावरफुल, सबसे ऊर्जावान, सबसे चमत्कारी, सबसे तारणहार अगर कोई शब्द है तो वो गुरु है। वो शब्द अध्यात्म की पहचान बनाने वाला एक शब्द है गुरु, और जिसके जीवन में गुरु का आगमन होता है उसका जीवन सारे अंधकार को छोड़कर प्रकाश में आ जाता है। आज इस प्रांगण का सौभाग्य है, आपके आगमन से बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। हम तो धन्यवाद देते हैं मोक्षा जी महाराज साहब को, जिनके पावन तप ने आपको इस प्रांगण में बुला लिया। तप में कितनी शक्ति होती है। गुरु भी चलकर आ गए। मोक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दो आप सब भी कि उनके ही कारण गुरुदेव का इस प्रांगण में आगमन हुआ, उनके चरण पड़े। हे गुरुदेव, उन्हें आपके चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका इस प्रांगण में। और साध्वी जी महाराज साहब का अनुकंपा की है पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब ने, बहुत सुंदर आदर्श है उनके जीवन के, उनके जीवन के आदर्श देखते ही, क्योंकि कितनी बार वो बहुत उदारता से, कभी ऐसा नहीं सोचा हम नहीं जा पाए क्योंकि तपस्या चल रही थी, एक महाराज साहब की तबीयत भी थोड़ी नरम चल रही थी, फिर दिन भर कुछ संभालना करना ऐसा चल रहा था, और उन्होंने इतनी उदारता दिखाई, स्वयं भी वो तीन बार चलकर आए। बहुत उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस प्रांगण में आप आए तब अभिनंदन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, पुण्य पुण्य स्वागत अभिनंदन। उनकी ऊर्जा आपके पास पहुंची, आज आप सब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराती हुई ये धर्म सभा, ये प्रांगण बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं तब से देख रही हूँ, मेरी नजर गुरुदेव के चरणों में जाती है, गुरुदेव के मुखमंडल पर जाती है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा लगता है उनकी मुस्कान से जैसे इस आंगन में दिवाली सजी है। वंदन करती हूँ आप श्री के चरणों में, अनेकों कार्यों को जिन्होंने अपने जीवन में संकल्प के साथ इस समाज में पूरा किया है, एक वचन भी जिनका खाली ना जाए, ऐसे गौतम लब्धि से संपन्न गुरुदेव पूज्य श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कितना ही वंदन करो उतना ही कम है। वंदन करती हूँ आप श्री के चरणों में, और मधुरता देकर जो इस आंगन में पधारे हैं, ऐसी सुंदर आवाज लेकर जो बिना माइक के भी पीछे जाती है, ऐसे मधुर कुंवर जी महाराज साहब के वैभव पूज्य श्री चिंतन श्री जी को लेकर आए हैं, आपके चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अपने मंगल भावों को लेकर मंगल का बरसाने वाले पूज्य श्री मंगल ज्योति जी महाराज साहब, पुराना परिचय है इनका तो प्यार मिलता ही रहता है, और अपने आदर्श सिद्धांतों से अपने आदर्श ग्रुप को संवारने वाले पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के अंतेवासी पूज्य श्री आत्म ज्योति जी महाराज साहब, मेरे जीवन पर अनंत कृपा करने वाले, मेरी जीवा पे इन अक्षरों को देने वाले, मुझे इस सुधर्म पाठ का, इस धर्म पाठ पर बिठाने वाले मेरे गुरुनी मैया, जिनकी चातुर्मास दो दिन पहले से ही आंगिल तक आराधना चल रही है, और एक चातुर्मास भी नहीं, 26 चातुर्मास, जिंदगी के 26 चातुर्मास जिन्होंने निरंतर आंगिल तक की आराधना में ही समर्पित किए हैं, ऐसे पूज्य गुरुनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे साथ में बैठे संकल्प के धनी तप सूर्या, मेरे बड़े गुरु बहन पूज्य श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब बहुत संकल्प के धनी हैं। अभी तबियत ठीक नहीं थी तो अभी जो तप की बात चल रही थी ना, कि हमारे महापति जी महाराज श्री पार्वती जी महाराज साहब
एक ऐसा गुलशन है ये शमन संघ का महासती श्री पार्वती जी महाराज, जैन सितारे हिंद पंजाब परवर्तनी, ये खिताब दिया उनको जैन सितारे हिंद राजे महाराजाओं ने मिलकर, कितने राजाओं की रियासतों के जो राजा थे उन्होंने मिलकर जैन सितारे हिंद ये खिताब दिया था महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब को। ऐसी पंजाब परवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की ये फुलवाड़ी तप से सजी हुई है, तप के श्रृंगार से। उनकी की शिष्या थी राजमती जी महाराज साहब, जब वो बीमार होते थे शावक लोग आते थे महाराज साहब दवा ले लो, तो वो अंड या उपवास का पचहान कर लेते थे और कहते थे श्रावक जी मैंने दवा ले ली है अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसकी परंपरा की हम साध्वियां हैं, निधि ज्योति जी महाराज साहब की बात कर रही थी, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इन्होंने कहा मैं तेले तक की आराधना कर लेती हूँ मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और तेला तक करते करते इन्होंने अठाई कर एक अठाई कर ली। तो ऐसी संकल्प शक्ति है जिनके पास, उनको भी मैं नमन करती हूँ। इस धर्म पाठ पर विराजित समस्त प्रिय छोटी साधुओं का भी इस दिल के आंगन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी का आज तो इंदौर के सभी वरिष्ठ श्रावक कार्यकर्ता सभी गुरु भक्त इस सभा में आए हैं, बहुत अच्छी लग रही है ये सभा। पहले तो ये सभा ये पश्चिमी क्षेत्र के श्रावक श्राविकाओं से ही सजी होती थी, लेकिन आज पूरे इंदौर की इस श्रद्धा और भक्ति से सजी है ये सभा। तो मैं इस सभा का अभिनंदन करती हूँ, अनुमोदन करती हूँ और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आंगन में दिवाली सजी, आंगन में दिवाली सजी, गुरुवर तेरे आगमन से आ गई है खुशी, छा गई है खुशी, तो बहारों का मुकद्दर बना, तो बहारों का मुकद्दर बना, तेरी साधना का सफल है निरा की साधना का सफर तो बहुत कमाल का है, अमृत बरसा है इंदौर में। आज थोड़ी सी जो अनुमोदना हम करने के लिए आए हैं, मैं देख रही थी आज अवसर मिला है सबको मंच के माध्यम से अपनी बात, अपने दिल में जो भी कुछ पीड़ा है उसे पहुंचाने का, इस सब अभिनंदन के निमित्त से सबको अपनी बात कहने का मौका मिला, और वो बात बहुत अच्छी थी जो हमारे भाई रमेश भंडारी ने कही। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, ऐसी पीड़ा ऐसा दर्द मेरे दिल में भी था कि जब देखो तब जैन कॉन्फ्रेंस के कोई भी अध्यक्ष आदि बनकर आते हैं, एक दूसरे को पीछे धकेल कर इतना 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 करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके दो साल काली कुर्सी पर बैठकर मालाएं पहनकर चाल ओढ़कर आदि 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 करके वापिस बैठ हो जाते हैं। आचार्य भगवान ने इतना प्रशंसनीय जो एक क्रांति का कार्य किया है या आप लोगों ने मिलकर किया है उसका मैं भी अनुमोदन करती हूँ, और एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से। देखिए अगर ये बातें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आ जाए, संगठन जो जीवन में सबसे बहुत जरूरी है, समाज का स्वरूप निखारना है, इंसान को अपने जीवन का स्वरूप निखारना है, तो उसे मिलन आलिंगन संगठन में आना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जिस फैक्ट्री में फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है जहाँ पर, वहाँ पर दो धागे चलते हैं, एक को कहते हैं ताना और एक को कहते हैं बाना, एक ऊपर एक नीचे से ऊपर चलता है और एक साइड से चलता है, और रास्ते में चलते चलते दोनों का मिलन हो जाता है, और जब दोनों का मिलन होता है तो क्या बन जाता है,
कपड़ा बन जाता है और वो मिलन ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर एक दूसरे से बिछुड़ते नहीं। कपड़ा फट जाता है तभी तभी उसके धागे निकलते हैं जब वो फटता है, लेकिन उनका मिलन, अगर हमारा भी मिलन ऐसा ही हो जाए, अगर हमारा संगठन भी ऐसा ही हो जाए, संगठन की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े मीटिंग होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे समारोह का संगठन होता है, लेकिन फिर भी बात कहने के बाद कोई मिलता ही नहीं है। जो रोग हमारे जीवन में आ गया है, सचमुच में बात है ये तेरा पंथ की कि ऐसा अनुशासन एक आचार्य की बात को माना जाए तो शायद जीवन जीवन बदल सकता है। और उस जीवन को बदलने के लिए बातों से नहीं बल्कि क्रियाओं से, क्योंकि हम तो इतना लंबा विचरण करके आए हैं, कोई भी इंसान अपने संप्रदाय से बाहर निकलना नहीं चाहता। नाम होता है जहां काम पीछे रह जाता है, सिर्फ नाम के लिए लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने वो हीरा उठाया है और सबको काम में सुंदर ढंग से लगाया है। तब का अनुमोदन हमारा तभी होगा जब दिल में थोड़ी सी इस दर्द को महसूस करें। इतना श्रीमंत है ये जिन शासन, ये जैन समाज, अगर चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। करने के लिए भीतर में एक संकल्प जगाना होगा, भीतर में थोड़े से अपने आग्रह को, अपनी कुंठाओं को, अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को थोड़ा सा बदलना होगा। और जिन शासन तो वो शासन है, और ये तप तो एक ऐसी चीज है जिसने मुगल बादशाहों को भी बदल दिया। तप के निमित्त ने मुगल बादशाहों को भी बदल दिया, जो एक समय में चिड़िया की जवान का सवा से मांस खाने वाला अकबर, एक निमित्त मिला चंपा बहन की तपस्या से, और इतना ज्यादा आगरा की घटना है हरिभद्र सूरी के समय की कि उस समय इतना निमित्त मिला, और वो तप के अंदर कितनी शक्ति है। आप तो तप के प्रांगण में बैठे हैं, कोई एक संकल्प लेकर आ जाना, कुछ तो इन सागरी जी को उपहार देकर जाना जिन्होंने 41 दिन की तपस्या की है। तप करना हर चीज की, आप एक दूसरे की होड़ कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए पीछे भागकर उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, लेकिन तप नहीं ला सकते। हम किसी को देखकर अनुमोदन कर सकते हैं, लेकिन उतना ही तप करेंगे हमसे, लेकिन जो अपने जीवन में है कम से कम थोड़ा तो जीवन में समर्पित करके जा सकते हैं। ऐसा दिव्य आशीर्वाद मिला है साध्वी मोक्षा जी को, चौथी बार उन्होंने ये लंबी तपस्या की है, 31, 31, 36 और अब 41। बीच में थोड़ी तबियत भी खराब हुई, पित्त वगैरह की अधिकता हो गई थी, लेकिन फिर भी संकल्प था मुझे पारना नहीं करना। और जिस दिन इसने उपवास शुरू किए थे, पता नहीं मेरे मुंह से भी ऐसा निकला था, मोक्षा तुम 41 उपवास करना। तो आज मुझे भी खुशी है कि इनकी तपस्या का संकल्प ये पूरा हुआ है, और वो आशीर्वाद बरसाने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपर्वतनी गुरनी मैया, जिन्होंने 311 उपवास के द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, और उनके तप के दौरान ऐसे दिव्य चमत्कार हमने उनके चरणों में देखे, ऐसा लगता था कि उनके चरणों में बैठकर कहां आ गए हम। ऐसे देवों की दिव्य अनुमोदना, सुच्चे मोती की 5 बार बरसात हुई। उस समय तो उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि किसी को भी ये बात बाहर नहीं कहनी। पता नहीं लोग इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। आज तो क्योंकि वो 96 और 97 में तपस्या का दौर चला था, आज तो बहुत साल हो गए, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, जिस गुरनी मैया ने इतना तप किया हो, और केसर हर रोज सूखे केसर की पत्तियां जिस तरह से आप मुझे बैठे हुए साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे हमने उस तप के बीच में ऐसी दिव्य आराधना को देखा है।
ऐसी गुरनी मैया का आशीर्वाद। और हम सब उनके चरणों में जाते थे तो सिर्फ यही कहते थे हमसे भी तपस्या हो गुरनी जी, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो। तो मुझे लगता है मोक्षा जी का समर्पण बहुत ज्यादा था, जिन्होंने ऐसा तप का वरदान मांगा और उन्होंने तप का वरदान दिया। आज 41 उपवास की आराधना आप सबके समक्ष, आज 40वां उपवास और कल 41वां उपवास। और कैसे इस धरती की भी वाइब्रेशन बदली साधना से तप करते करते, क्योंकि जहाँ पर तप संपन्न होता है बहुत सारी चीजों की ऊर्जा हमें हमारे जीवन में काम करने लग जाती है। तो इस सब अभिनंदन पर मैं आप सबसे भी एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे से मिलने का संकल्प जरूर लेकर जाना। हमारा जिन शासन इकट्ठा होकर एक होकर बाहर की चीजें जो खोल बन चुका है उनसे थोड़ा सा बाहर निकलकर एक ऐसे समाज की व्यवस्था करे, एक ऐसे संगठन की व्यवस्था करे कि युगों युगों तक इस जिन शासन पर हमें नाज हो, गर्व हो। सैलाबों से नजरे मिलाओ, तूफानों से बात करो। सैलाबों से नजरे मिलाओ, तूफानों से बात करो। मल्ला से कहो किश्ती छोड़े, तैर के दरिया पार करो। खुशबू की दुकानें छोड़ो, फूलों की दुकानें छोड़ो, खुशबू का व्यापार करो। अगर ये मिलन ये प्रेम गुनाह है तो एक बार नहीं हजार बार करो, सौ सौ बार करो। और ये सजी हुई महफिलों में ही इस मिलन करने का संकल्प लेने का आनंद आता है। तो क्यों ना आज इस सब अभिनंदन पर इतना सा ही संकल्प लेकर जाएं कि हम संगठित होकर जिन शासन के स्वरूप को, समाज के स्वरूप को सुंदर बनाएंगे, अति सुंदर बनाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, इतना सारा आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गुरुदेव के चरणों में उन्हें आगमन पर अभिनंदन वंदन। महासती जी महाराज साहब को भी कोटि कोटि धन्यवाद। अहोभाव के साथ कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए